इसका रिव्यू करें, इसका रिव्यू करें, इसका करें, इसका करें, 1 2 3 4। चलिए देखते हैं वीडियो में किसका करते। जिसका था तुमको इंतजार वो यही है ना। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। दिस इज स्टार्टेड हर टाइम। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है काइट फ्लाइंग? तो दोस्तों आई होप बहुत बढ़िया गया होगा ईद। आप खासकर ईद का दिन, कल ईद भी थी, अक्षय तृतीया भी थी, कोलकाता में आइस होगी, काफ़ी पतंगबाजी हुई, इवन बीकानेर में भी आंधी तूफान आया हुआ था। बट होपफुली आई बिलीव काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का दिन और काफ़ी मुबारक दिन था। तो विश यू गाइस वंस अगेन अ हैप्पी ईद और अक्षय तृतीया। तो दोस्तों पानी पी रहे हो ना, गर्मी बहुत है भाई। आज बड़ा बुरा हाल था यार दिल्ली गुड़गांव में, तो इवन एसी भी ऐसे लग रहे हैं कि काम नहीं कर रहा। और गर्मी, हाय रे गर्मी, मर गया गर्मी, आग लगा दी भैया। एनीवे दोस्तों, इस रिक्वेस्ट टू यू गाइस, अगर आप पतंगबाजी कर रहे हैं धूप के अंदर जाके, छतों पर जाके, जो भी चल रहा है, बिकॉज अभी अब ईद हुई है तो सबके साथ फ्री हो गए, फिर से वापस से मैदान की शौक शुरू हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, पानी पीते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, और बढ़िया सी सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी की जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम दी बैड सन रेज जो होती है हैवी, यूज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी अच्छी रहे। बाकी दोस्तों आज है रिव्यू। जी हाँ, आज है रिव्यू किसका? स्टार वन किंग का। ये है हमारे निसार खान का, रिजवान खान का। बट ये ब्लॉग मिलेगा आपको वन ओनली, वन एंड ओनली कोलकाता के वन ऑफ दी बिगेस्ट काइट मर्चेंट वाशिफ भाई के पास, द किंग वाशिफ भाई के पास। उसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। तो फ़ोन नंबर मिलेगा इसमें खाली वाशिफ भाई का आपको। अगर आपको पसंद आया तो आप ऑर्डर कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है काइट फ्लाइंग विद सनी, जहाँ पे हम रिव्यूज़ कर रहे हैं अच्छे मांजर के, अच्छी पतंगों के, और डिस्कस करते हैं मांजर पतंगों के बारे में, उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक। और हम चाइनीज़ मांजर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। छतों का सीज़न स्टार्ट होने वाला दिल्ली विल्ली में, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ 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 चाइनीज़ मांजर ना यूज़ करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है, इट्स बैड फॉर एवरीवन। बाकी दोस्तों बात है ऐसी, कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल आपके लिए मैसेज। फिर तो दोस्तों कभी कहना चाहता है मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा, दबा के बढ़िया से दिल से मेहनत कीजिए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो की ओर, थैंक यू गाइस। तो भाई लोगों वापिस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 100 तोपों की सलामी आपके लिए। बाकी दोस्तों जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉक से पार्ट, दिस इज निसार खान, रिजवान खान, स्टार वन किंग। इनका शूरवीर भी मेरे पास आ चुका है, बट आज मेरा बड़ा मूड था कि मैं निसार खान जो कि वाशिफ भाई का ब्लॉग है उसको रिव्यू करूं। भाई भाइयों पता है, मांजे को स्टार्ट करने से पहले, इसका अनबॉक्स कर मतलब इसका अनरैप करने से पहले, आपके भाई के पास ऑलमोस्ट 300-350 चरखियाँ होंगी। और अगर मैं बात करूँ ना, गौर फरमाए मैंने क्या बोला, 300-350 चरखियाँ, इस पर फोकस करना भाइयों, बाकी छोड़ देना, स्किप कर देना। जो के पास मैं कह रहा था कि अगर मैं उनमें से बात करूँ ना, मेरे पास 2 या 3 मांझे ऐसे जिनको मैं बहुत, मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि स्मूथनेस, जो चिकनापन जो बोलते हैं, उसमें से ये मांझा वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब मैं बोलूँ इतनी चरखियों में ना, अगर मैं इतने ब्लॉक कारीगर कैसे, मैं आज़म का 7 स्टार बोलता हूँ, बहुत चिकना लगता है मुझे, ठीक है। यूनिस इकबाल का चरखा बहुत मतलब चिकना लगता है। अगर मैं उसी में बात करूँ ना, तो ये भी भाई साहब कहते ना कि कातिल, मतलब अगर मैं स्मूथनेस चिकनेपन की बात करूँ ना, बारीक और चिकना, भाई साहब कहते ना कि गजब 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 है भाई, गजब एकदम गजब। मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको करता हूँ अनरैप और दिखाता हूँ मांझा और क्वालिटी। पैसों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम पहले बता दें पैसों के लिए आपको वाशिफ भाई को डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा। वाशिफ भाई का नंबर इसके सामने सब आ रहा है, ये वाशिफ भाई के नंबर है, कॉल कीजिए, वाशिफ भाई से बात कीजिए, वो आपको पार्सल कर देंगे। बाकी करते हैं इसको जल्दी से, दिखाते हैं दुल्हन का मुखड़ा आपको। तो चमत्कार दोस्तों देखो, ये है
अगर आप देखेंगे तो ये है डार्क ब्लू कलर। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से चरखी है जिस पर लिखा हुआ है कोलकाता इंडिया जय हिंद। वाशी भाई की काइट एम्पोरियम जो उनकी शॉप का नाम है वो लिखा हुआ है। और ये है स्टार किंग की बैजिंग अंदर से, और ट्रांसपेरेंट चरखा है। बाकी बात जिसकी मैं कहता ना कि जो इसकी खासियत है, मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि उसको दिखाने के लिए भाई का मन मचल रहा है मचल। तो भैया लोगों, ये देखो, ये निकाला मांझा। ये देखो फूफा ने फोकस करा, बहुत बढ़िया लगता है। फूफा आजकल बड़े मूड में है। आप देख सकते हैं कि भाई इवन कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कितना बारीक मांझा है। आप देख रहे हैं ना कितनी, कहते हैं ना, एक होता है मेहनत करना, एक होता है कि भाई सुताई करते हुए एक एक राज है भैया। इवन मेकर भी कहते हैं कई बार मुझसे कि भैया मांझे में जान लगा के, मतलब कहते हैं ना कि पूरा जान लगा के, जो मतलब जो लुत्थी को फेरते हैं ना उसमें, वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जान से लगा रहे हैं। ढीले हाथों से लगाओगे और एक होता है ना कि टाइट हाथों से लगाओगे तो उसका अलग ही चमक निकल के आती है। तो ये वो चीज़ है जिसमें कहते हैं ना कि प्रॉपर जान लगा हुआ मांझा। कैन यू सी दिस, भाई साहब बारीक। मैं कहता हूँ कि मैंने बोला ना कि इतनी चरखियों में ना वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है मुझे, अगर मैं बात करूँ ना इसके कंपैरिजन में। अरे भाई, अगर मैं बारीकनेस की बात करूँ, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये 6 तार 1 2 3 है भाई, इतना बारीक बना रखा है। और उसके बाद जो ये क्वालिटी है, ओए होए होए होए, मखमल मखमली मांझा बोला जाएगा इसको, हम बोलेंगे निसार भाई का मखमली मांझा है ये। बिकॉज भाई इतनी स्मूथनेस है इसके अंदर, जब आप इसको फेरेंगे ना आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना, इतना ओए होए होए, कहते हैं ना कि एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जब हाथ में आती है ना तो बंदा रिलैक्स फील करता है। तो भाई साहब ये करके दिखाओ भाई, इतनी प्यारी क्वालिटी है ना, इतना बारीक, ऊपर से स्मूथनेस। मुझे नहीं मालूम इसमें वाशी भाई क्या करवाते हैं, या इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट अलग है वाशी भाई के, है किसके है, कुछ नहीं मालूम। बिकॉज इसके बारे में ना हमने पूछा, और मे बी वो भी शायद से कहेंगे भैया आप कहते हैं ना कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्या क्या बोलते हैं उसको, अखरोट खाने पे फोकस करो गुटली के दाम कौन गिनता है, ऐसे कुछ डायलॉग मारते रहते हैं ना वैसा। तो इसलिए हमने भी सोचा नहीं कि ऐसा पूछा जाए, बट डेफिनेटली यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, मैं बोलूँ तो निसार भाई की, लेकिन है ये वाशी भाई का प्रोडक्ट। भाई एकदम कती कैड़ा चिकना, और जिसमें कहते ना कि काटा अलग। अब बात करेंगे यूज़ के लिए, तो आपको समझदार है को पता है कि ये ऐसे ऐसे मांझे ना टूर्नामेंट्स जाते हैं, कहते ना कि लड़ते ना बड़ी पतंगे, जहाँ बढ़िया एक अच्छे मेकर की पतंग कन्हैया विलियम शंकर जैसे पौने बांध के और खड़े करते लंबी रेंज पे कि आ जाओ भाई अब लड़ाएंगे। तो उस क्वालिटी के मांझे हैं दोस्तों, ये उस क्वालिटी के मांझे हैं। बहुत कहता हूँ कि ना मैं, इतना चिकना मांझा भाई साहब, इतना स्मूथ मांझा भाई, मुंह में पानी आ जाए। मखमली मांझा और बहुत जेन्युइन क्वालिटी है। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइस की बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि प्राइस आपको वाशी भाई से पूछना पड़ेगा। क्वालिटी बहुत ज़ोरदार, अगर आपका बजट है और आप चाहते हैं एक अच्छी टूर्नामेंट की डोर, तो आप ये वाला कंसिडर कर सकते हैं। एकदम बारीक चिकना मांझा रेंज पे लड़ाने के लिए, फंसा के लड़ाने के लिए, कहते ना उसके लिए बनी हुई एक परफेक्ट डोर जो होती है, एकदम एक कहते ना कि 100/100 नंबर वाली डोर है ये भाई। ये है हमारा रिव्यू स्टार वन किंग को, जो हमारे निसार भाई का था। ओह भाई मैं क्या बोलूँ, ऐसे मखमली मांझे हाथ में ना पैक करने का मन नहीं करता कि ऐसे खुले रहा है इसके ऊपर, बस इनको मज़े लेता रहा इसके स्मूथनेस के। बाकी भाई बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, डेफिनेटली अगर आपका प्लान है कुछ ऐसा लेने का तो यू कैन गो फॉर दिस मांझा। वाशी भाई से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भूलेगा मत दोस्तों थम्स अप और नोटिफिकेशन सब कुछ डालने का, ताकि आपके पास नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे आते रहे आते रहे। मिलते हैं दादा।